नमस्कार, कैसे हैं आप सब? देश एक अजीब सी स्थिति से, एक ऐसी विपदा से गुजर रहा है कि जहां ये कहा जा रहा है कि हवा ही बूढ़ी चल पड़ी हुई है। अब ये हवा किस किस को अपने चपेट में ले रहा है, बीमारी कहां तक जा रही है और ये बीमारी किस हद तक है। ये बीमारी सिर्फ एक ऐसी वैश्विक बीमारी है या इस वैश्विक बीमारी के सहारे एक बड़ा दांव चला जा रहा है। कल से लेकर के आज तक का जो डेवलपमेंट है वो कई तरह से चौंकाने वाला है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मराठी और हिंदी में टीवी चैनलों को जो बाइट दिया, उद्धव सरकार की जो पोल खोली, महावसूली सरकार क्या इस विपदा के दौर में ऑक्सीजन की भी खपत में वसूली कर रही है? क्या इस स्तर तक महावसूली सरकार लगी हुई है या फिर ये मामला वसूली का नहीं था, ये मामला अराजकता का था? दिल्ली की सरकार जो कल तक कह रही थी, जो केजरीवाल कल तक कह रहे थे कि दिल्ली में बेड की कमी नहीं है, उस केजरीवाल ने एकाएक चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिख दी है कि दिल्ली को बचा लीजिए। प्रधानमंत्री जी, उनके एक राज्यसभा मेंबर जिनके ऊपर अक्सर आरोप लगता है कि वो उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिनेमा घरों में एक समय में 90 के दशक में ब्लैक टिकट की ब्लैक मार्केटिंग करते थे, उसने आज जहरीले बयान दिए हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ और कहा है कि नरेंद्र मोदी इस देश में शमशान चाहते थे और नरेंद्र मोदी का यह सपना पूरा हो गया है। राहुल गांधी ने आए के ट्वीट किया और कहा कि नरेंद्र मोदी जी, आपका सपना पूरा हो गया, आप कब्रिस्तान और शमशान पर खेलना चाहते थे, आपका सपना पूरा हो गया। आज एक शानदार दांव चलाया गया राहुल गांधी के द्वारा और राहुल गांधी जो चार फेज में महाराष्ट्र में चुनाव मैदान में नहीं उतरे, वो राहुल गांधी एकाएक आज उन्होंने घोषणा की, उनको एक दिव्य ज्ञान मिला कि राहुल गांधी बंगाल में चुनाव प्रचार नहीं करेंगे कोरोना के कारण। सवाल यह है कि राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार किया कब था बंगाल में और उन्हें करने कौन देना चाह रहा था? क्या वामपंथी पार्टी करने नहीं देना चाह रही थी? राहुल गांधी ने यह कैसा दांव चला है और हम एक एक चीज को समझेंगे, उसके बाद पूरी खैराती मीडिया क्या दांव चल रही है। पूरी खैराती मीडिया जो सालों से नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ी हुई है, उन सबको एक अवसर मिला है कि यही अवसर है कि देश में अराजकता फैला दिया जाए। और ये पूरी खैराती मीडिया एक माहौल बना रही है और वो कह रही है लगातार ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर वो एक्टिव हैं कि आपने इस देश में मंदिर मांगा था, अस्पताल नहीं, तो आपको मंदिर मिल रहा है, अस्पताल तो आपने मांगा ही नहीं। आज हम आपको कुछ आंकड़े दिखा करके बताने की कोशिश करेंगे कि ये मंदिर के नाम पर, अस्पताल के नाम पर जो खेला हो रहा है उसका सच क्या है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये षड्यंत्र क्या है। मैं फिर कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं कि ये बेला सचमुच दुखद का है और मुझे पहली बार ये लग रहा है कि सचमुच यहां राजनीति नहीं होनी चाहिए और हर राजनीतिक दलों को, चाहे सरकार और सत्ता किसी के हाथ में हो, ये मानव विपदा ये सिर्फ भारत की नहीं है। यदि सिर्फ भारत की होती तब तो देश में कब का आग लगा दिया गया होता। यदि ये वैश्विक विपदा नहीं होती, ये अमेरिका और यूरोप जैसे संपन्न राष्ट्रों में नहीं होता, तो हमारे जो यहाँ के जो लिबरल गैंग के राक्षसों की टीम है वो कब का देश में आग लगा चुकी होती। ममता बनर्जी ने एक नया दांव खेला है कि हमारे पूरे राज्य में कोरोना वैक्सीन दिया जाए। अब तक वो शांत थी, ममता ने भी
ये दांव चल दिया है। और एक एक चीज से हम आपको यह समझने की और समझाने की कोशिश करते हैं कि जब आज ऐसे मैं थोड़ा सा, मैंने सोचा संडे है तो थोड़ा सा आराम किया जाए, क्योंकि कई बार मन सोरा थोड़ा सा थक जाता है दिन रात के रिसर्च से। लेकिन एक सब्जेक्ट जब मैंने एक ऑडियो देखा, एक वीडियो देखा देवेंद्र फडणवीस का, उसने मुझे भौचक कर दिया। और उसके बाद मैंने समझने की कोशिश की कि क्या महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ महाराष्ट्र की महाआघाड़ी सरकार की महावसूली चरित्र का को उजागर करना है या इस देश में भयंकर असंतोष फैलाने की साजिश है? क्या खिलंदरों ने मान लिया है कि बंगाल चुनाव से पहले इस देश में यदि अराजकता नहीं फैलाया गया, क्या इनने मान लिया है कि इस देश में यदि भयंकर असंतोष नहीं फैलाया गया, यदि गृह युद्ध की स्थिति नहीं लाई गई तो बवाल हो जाएगा? एक ट्वीट को स्टोरी के रूप में मैंने अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत क्रांतिकारी शब्द गढ़ने वाले पुण्य प्रसून वाजपेयी का भी देखा है, जो हर बार नौकरी से निकाले जाने पर कहा करता था कि कभी जब एबीपी से निकाला गया तो उसने ट्वीट किया 500 करोड़ का सौदा, आज मैं नाम लेके कह रहा हूं, और जब उसे एक छोटे से चैनल में जब वो नौकरी करने गया तो वहां से जब उसे निकाला गया तब उसने कहा कि 250 करोड़ का सौदा। मतलब नरेंद्र मोदी ने ऐसे ऐसे चिरकुट पत्रकारों को निकालने के लिए, मतलब मोदी इतने खलियर हैं कि ऐसे चिरकुट पत्रकारों को नौकरी से निकालने के लिए किसी चैनल को 500 करोड़ दे देते हैं, किसी चैनल को 250 करोड़। तो उसने आज एक ट्वीट किया कि हर राज्य के मुख्यमंत्री को आज की तारीख में इस्तीफा दे देना चाहिए और इस्तीफा देने के बाद नरेंद्र मोदी को सभी राज्य का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। उसके बाद राजदीप सरदेसाई का कल एक ट्वीट था जिसके लिए मैंने कहा था ढाकेर साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं, यदि आप नहीं देख रहे हैं टेलीविजन चैनल, हमने तो आग्रह किया था और मैंने इस पे अमल किया, मैं कोशिश कर रहा हूं कि कब तक टीवी के न्यूज चैनलों से दूर रहा जाए। अब एक एक चीज ओम प्रकाश सोनी जी, सब लोग बेनकाब हो रहे हैं, ये राम के नाम पर कमाई करने वाले लोग हों चाहे ये ढोंगी हो तमाम लोग, मैं एक एक चीज को ये कह रहा हूं कि कैसे आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बताया कि महाराष्ट्र पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जब ये पाया गया, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, आप सबकी शुभकामनाएं हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं, स्वास्थ्य ठीक है, चिंता मत कीजिए, थोड़ी सी सर्दी रही है, इसी की परेशानी रही है और कोई बात नहीं है। अब देखिए कि मैं ये कह रहा हूं कि पहले तो मैं आपको जरा सा वो सुना देता हूं कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा क्या है और क्या खतरनाक है, जरा सा पहले आप एक डेढ़ मिनट की ये बाइट है उनको तमाम, एक आपका ऑडियो व्हाट्सएप वीडियो है जो वायरल है। आप सभी लोग जानते हैं कि चार दिन पहले हमारे विधान परिषद के विपक्षी नेता प्रवीण दरेकर और विधायक प्रसाद लाड़ दमन में गए थे, ग्रुप फार्मा में जाके उन्होंने वहां पर उनको निवेदन किया कि आपका प्रोडक्शन आप महाराष्ट्र को दीजिए। उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन कर सकते हैं लेकिन हमको एक्सपोर्ट का लाइसेंस है, जब तक हमको परमिशन नहीं मिलती तब तक हम ये माल नहीं दे सकते। तो मैंने स्वयं फिर केंद्र सरकार में आदरणीय मनसुख भाई मांडविया जी से बात की, मनसुख भाई मांडविया जी ने उनका टाइप रेड्डीज से कर दिया ताकि उनके लाइसेंस पर ये प्रोडक्शन कर पाए। उसके बाद उनके पास जो कुछ प्रोडक्शन था हमने उनको कहा कि आप तुरंत महाराष्ट्र के लिए हमको उसको दीजिए। उन्होंने कहा उसकी सारी परमिशन लेनी पड़ती है, हमने यहाँ की एफडीए की परमिशन उसमें ली, हमारे पास परमिशन की कॉपी है, वहां की एफडीए से हमने बात की, उनको हमने कहा कि भाई स्वयं हमको मंत्री जी ने उसकी परमिशन दिया, कब उनकी परमिशन हमको उन्होंने कहा कि हम दे रहे हैं। और ये सारा जो कुछ माल, अभी ज्यादा नहीं था, जो कुछ माल मिल सकता था वो महाराष्ट्र में लाने वाले थे। आज दोपहर में हमारे जो एफडीए के मिनिस्टर साहब है उनके पीएनए ओएसडी, उन्होंने उनको फोन करके एक प्रकार से धमकी दी कि ऐसे कैसे आप इनको माल दे रहे हो और हमको माल आपने देना चाहिए, इनको कैसे दे रहे हो। और उसके बाद प्रवीण दरेकर जी ने भी उनसे बात की, हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया है। तो उसके बाद रात को 9 बजे 10 लोग उनके घर जाते हैं, उसको उठा के लाते हैं यहाँ पर, और जब हमने यहाँ पर आकर पूछा तो अब डीसीपी हमको ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो केवल, हमको कुछ इंटेलिजेंस मिला था कि कुछ एक्सपोर्टर्स के पास 60,000 वायल्स है और इसलिए हमने उसकी जानकारी लेने के लिए, मैंने बोला स्पेसिफिक आपके पास इनके पास कितना ऐसा कुछ आया है या इनके एक्सपोर्टर के पास है,
कोई आपके पास बोले नहीं। फिर उन्होंने कहा कि हमने उनको लेटर भी दिखाया कि एफडीए ने इनको परमिशन दिया, तो उन्होंने कहा ये लेटर हमको कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था। इस प्रकार से वो जो कि उनको कहना था उन्होंने कहा। लेकिन ये जो सारी राजनीति चल रही है ये बहुत गलत राजनीति है। हम महाराष्ट्र के लिए प्रयास कर रहे हैं, उल्टा मनसुख भाई मांडविया जी ने इनको बुक फार्मा को बताया कि आपका प्रोडक्शन फुल स्केल पे जाएगा तो आप मैक्सिमम प्रोडक्शन ये महाराष्ट्र को दीजिए। इतना उनके कहने के बाद और उन्होंने हामी भरने के बाद अगर इस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जाता होगा तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत गलत बात है। और इसलिए आखिर मैं यहां पर आया। अभी उन्होंने उनको छोड़ दिया, उन्होंने कहा हमने इनको अरेस्ट किया ही नहीं, तो हमने तो सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया था। ठीक है, जो भी होगा, लेकिन ये परिस्थिति जिस प्रकार से हुई है गलत है। सर आपने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री की ये ऑफिशियल रिकॉर्ड बाइट सुनी और ये कितना खतरनाक है इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। बहुत स्पष्ट रूप से हिंदी में उन्होंने कहा है, फिर भी इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं कि दरअसल देवेंद्र फडणवीस के एक मित्र ने अपने एक उद्योगपति मित्र हैं जिनके जिन जो उनके पास ऑक्सीजन के सिलेंडर थे, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को मदद करनी है आपको, और इसीलिए दमन से उन्होंने भारत सरकार की अनुमति से और महाराष्ट्र सरकार की अनुमति से उन्हें महाराष्ट्र में एक्सपोर्ट करने का परमिट दिलवाया। लेकिन इसकी सूचना जो ही महाराष्ट्र सरकार को लगी, ये देवेंद्र फडणवीस शिकायत कर रहे हैं, तो और वो थाने से बात कर रहे हैं, जब जिस समय वो मीडिया को संबोधित कर रहे थे, मीडिया को जो उन्होंने बुलाया था उस समय एक थाने में थे वो, और उस थाने से उन्होंने अपने मीडिया को ये पूरी बातें उन्होंने कही है, जिसमें ये पता चला कि एक्सपोर्ट की परमिट उन्होंने दिलवा दी थी, मिल चुकी हुई थी उनके मित्र जो उद्योगपति हैं, और वो सरकार की मदद करना चाह रहा था वो उद्योगपति। लेकिन उस उद्योगपति को उठवा लिया गया और बता रहे कि सरकार के एक मंत्री के ओएसडी ने फोन किया, उसे उठवा लिया, थाने में ले आया। और जब देवेंद्र फडणवीस को यह पता चला तब वो थाने में गए तो उनसे कहा गया, पुलिस ने उनसे सफाई दी कि हमें शिकायत मिली थी कि किसी भी ढंग से कालाबाजारी हो रहा है, और इसकी शिकायत पर हमने सिर्फ इनसे पूछताछ के लिए बुलाया, इनसे हमने कोई इनकी गिरफ्तारी नहीं की है। अब इस बात को समझिए कि ये कितना खतरनाक है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री फोन करता है भारत सरकार के, भारत के प्रधानमंत्री को, और ऐसा वो ट्वीट करके राजदीप सरदेसाई से कहलवाता है कि महाराष्ट्र में को ऑक्सीजन चाहिए, और खुद सवाल करता है महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री और खुद जवाब गढ़ लेता है कि पीएमओ से हमें जवाब मिला कि प्रधानमंत्री बंगाल में है। प्रधानमंत्री कुछ घंटे के लिए बंगाल में थे और वही समय मुनासिब लगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री पीएमओ को फोन करने के लिए। और जबकि हर किसी को पता होता है पीएम और सीएम का अगले 3-4 दिनों का क्या कार्यक्रम होता है, वो सरकारी तौर पे मीडिया को जारी किया जाता है। जैसे कि हम यदि पीआईबी जर्नलिस्ट होते हैं हम लोग, तो हम लोगों को ये जानकारी जो है वो दी जाती है कि कैसे प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, राज्यपाल का सरकारी कार्यक्रम अगले कुछ दिनों का कैसे है। तो प्रधानमंत्री बंगाल में है ये सबको पता था, तो ऐसे कंडीशन में बड़ी चालाकी से ये किया गया। और आपको आश्चर्य लगेगा, न्यूज बेस बहुत बहुत शानदार आपने कमेंट्स किया है, मगर जरा देखिए इस चीज को, धन्यवाद आपका। अब इस चीज को जरा सा समझने की कोशिश कीजिए, फिर आपको देवेंद्र फडणवीस के वो बयान जो हैं वो समझ में आएंगे। एक एक चीज को देखिए, ये राजदीप सरदेसाई का कल का ट्वीट है, आप सबने कल भी देखा होगा, मैंने कल देखा था, हमने इसको लिखा है खेला बढ़िया है, एक एक चीज को उठाया है। ब्रेकिंग नाउ, जैसे लग रहा था कि राजदीप सरदेसाई खुद जो है वो बन गया है पर्सनल सेक्रेटरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का, और ये पहली जानकारी उसी ने दी और कहा कि ऑफिशियल ये सीएम महाराष्ट्र के तरफ से कहा जाए, क्लेम दैट ही कॉल्ड पीएमओ इंडिया फॉर अर्जेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, बट he was told that PM is in Bengal and he will contact him when he is back, PMO response awaited.
अब इस षड्यंत्र को आप समझिए, तब आपको चीजें एकदम से समझ में आ जाएगी कि कैसे अराजकता की साजिश है। बहुत गहरी बात, इस चीज को समझिए देवेंद्र फडणवीस के उस बाइट के बाद कि क्या यहां कहा जा रहा है कि बंगाल हमें प्रधानमंत्री से चाहिए, प्रधानमंत्री को हमने फोन किया कि महाराष्ट्र को बचा लीजिए, महाराष्ट्र को ऑक्सीजन चाहिए, तो पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री बंगाल में है। अब इस समझ लीजिए कि साजिश कितनी बड़ी है, मतलब अराजकता फैला देने का कि महाराष्ट्र में एक अराजकता फैल जाए, महाराष्ट्र में लोग त्राहिमाम करने लगे, खास करके जिनके जिनके परिजन अस्पताल में वो हंगामा मचा दे कि प्रधानमंत्री बंगाल में रैली कर रहा है और हमें यहाँ ऑक्सीजन से हमारे परिजन मर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो ऑक्सीजन देने की व्यवस्था एक बिजनेसमैन कर रहा है उसे अरेस्ट कर ले रही है महाराष्ट्र की पुलिस। समझिए क्या खेला है। मतलब यदि राज्य का अपोजिशन ये प्रयास कर रहा है कि किसी ढंग से ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि महाराष्ट्र में ये व्यवस्था कर दी जाए, ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी जाए, तो यदि मतलब आपको सुलभ तरीके से ऑक्सीजन दिया जा रहा है तो आप ऑक्सीजन देने वाले उस बिजनेसमैन को अरेस्ट कर लेते हैं, रात भर उसे थाने में रखते हैं, और ये बात तब उसे छोड़ा जाता है जब महाराष्ट्र का पूर्व मुख्यमंत्री जाता है। सोचिए आम आदमी का क्या हाल होता होगा। मतलब इतना सब कुछ फंसने के बाद भी, इतना कलंक लगने के बाद भी उद्धव सरकार सचेत होने को तैयार नहीं है। ये महाघारी की महालूट की सरकार एकदम से तैयार नहीं है। और भी ऑनलाइन करें, मनीष जी नमस्कार, मुंबई में हूं, जानता हूं कि थाने में बैठाकर क्या डील होती है, और विरले पार्ले पुलिस स्टेशन में जहां बाजे बैठा करता था, यहां सरकार सेवा के लिए गंभीर बिल्कुल नहीं है। और मुझे लगता है कि इसीलिए आप सबको सामने में मैंने ये बात रखने की कोशिश की है कि ये मामला कितना गंभीर है। चिंतन गांधी जी का माय पेरेंट एंड आई एम बिग फैन ऑफ फिन एंड रिस्पेक्ट ऑनेस्ट जर्नलिज्म। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद आपके, अपने अपने पिताजी को मेरा प्रणाम कहिएगा। ये हिम्मत से कर पाता हूं, इसीलिए लीक से हटने के बाद भी नहीं, मुझे लगता है कि एक चीज सिर्फ मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि वीडियो बनाना उद्देश्य नहीं रहता है, इस परसेप्शन को काटना, इस षड्यंत्र को समझना और कुछ नहीं है। इसीलिए कोई उद्देश्य नहीं है कि यूट्यूब ने क्या क्या षड्यंत्र किया है, तो षड्यंत्र करने वालों के खिलाफ ऊपर करता है। मैंने सुना है कि जिस सनसनीबाज ने मेरे चैनल के खिलाफ एक षड्यंत्र किया मनीष ठाकुर के खिलाफ, वो सनसनीबाज जो है ईश्वर उसे परेशान कर दिया बहुत दिन तक, तो मैं भगवान से कहूंगा कि ऐसे षड्यंत्रकारियों को जो है उसकी भी रक्षा ईश्वर करें, ताकि मैं राक्षसों का जिंदा होना बहुत जरूरी है। मैं कभी नहीं चाहता कि राक्षसों से ये दुनिया मुक्त हो जाए। यदि राक्षस नहीं होते तो राम नहीं आते, कृष्ण नहीं आते। राक्षस आपको ताकत देते हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सब इन सब चीजों को जानना, इन राक्षसों का होना जरूरी है। यदि ये राक्षस नहीं होते तो हम ये चीज सजग नहीं हो पाते। हम भी मोदी हाउ काउ 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 हम भी करने लगते हैं, मोदी तुम क्यों बंगाल में हो, मोदी तुम गलत कर रहे हो, मोदी तुम बेईमान हो, मोदी तुम सिर्फ चुनाव जीतने के लिए करते हो, हम भी ऐसे करने लगते। ये राक्षस यदि षड्यंत्र नहीं कर रहे होते तो हम भी ये कहने को मजबूर हो जाते, हम भी इस बात से कन्विंस हो जाते कि सही बात है, ये देश भारी विपदा में है, और इस देश का प्रधानमंत्री बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहा है, इस देश का गृह मंत्री बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहा है, हम भी इस रूप में, ये नरेंद्र मोदी जी मुझे खाने के लिए नहीं देने आते हैं, तो मैं भी ये कहना शुरू करने कर देता कि मोदी ये क्या है आपको, चुनाव जीतने, चुनाव के अलावा कुछ नहीं सूझता, अमित शाह जी आपको कुछ नहीं सूझता। लेकिन जब इन राक्षसों के चरित्र को देखते हैं, जब इन राक्षसों की नीयत को समझते हैं, तब लगता है कि नहीं, मोदी का चुनाव प्रचार करना जरूरी है, क्योंकि बंगाल से एक ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति वाली सत्ता का हटना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस राक्षसी प्रवृत्ति की सत्ता में ही जान छुपा हुआ है, कई राक्षसों का, कई जोंकों का, कई परजीवियों की का जान छुपा हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इन षड्यंत्र को समझना है, और बहुत बड़ी संख्या में मैंने कल महाराष्ट्र अपने कई साथियों को फोन किया बंगाल में, जो सो कॉल राष्ट्रवादी हैं, उसमें से भी मुझे कुछ लोगों ने कहा कि मनीष जी चुनाव प्रचार तो मतलब थोड़ा सा पीएम को भी कहना चाहिए। मतलब ये सबके सब कन्विंस हो गए हैं, इस बात को समझ लीजिए, ये बहुत खतरनाक हो रहा है कि ये सो कॉल जो राष्ट्रवादी है, ये बनावटी ढोंगी प्रवृत्ति के जो कुछ राष्ट्रवादी है, ये दरअसल
ये इनका कोई बेसिक अपना कोई चरित्र है नहीं साहब, इसीलिए आप इन सबको समझते हो समझ रहे होंगे कि मैं ये कह रहा हूं कि आपको हमें लगेगा कि सचमुच ये देश भारी विपदा में है। ऐसे में प्रधानमंत्री ऐसा क्यों कह रहे हैं, तब मुझे समझ में आता है। आज मैंने अमित शाह का भाषण सुना, अमित शाह ने एक बात कही है आज कि सबके सब मेरे और नरेंद्र मोदी के जान के पीछे पड़े हुए हैं। आज मैंने अमित शाह को, मुझे लगता है कि शायद ये शब्द मैंने पहली बार उनको सुना कि उन्होंने कहा कि मेरे और मोदी जी के पीछे पड़े हुए हैं, मुझे और मोदी जी के पीछे पड़े हुए हैं, और मुझे बाहरी बताया जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी को बंगाल में बाहरी बताया जा रहा है। मैं नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और मैं देश का गृह मंत्री हूं। फिर वो कहते हैं कि क्या भारत के गृह मंत्री का बंगाल में आना पाप है, अपराध है? अब इस चीज को समझिए कि बंगाल में बाहरी बाहरी खेल करके एक षड्यंत्र किया गया, लेकिन ये बाहरी सिर्फ नरेंद्र मोदी है। अब इसी बीच में क्या किया गया, राहुल गांधी से एक ट्वीट जारी कराया गया और ये कहा गया, किशोर जी कह रहे खैराती और विपक्ष पहले लॉकडाउन के वक्त का सभी राज्यों में अधिकार दिया जाए, केंद्र में क्यों सब निर्णय लेते बोलते हैं, कोरोना दूसरे फेज में है, केंद्र के सभी राइट राज्यों को दे दिया जाए, आपको जैसे हैंडल करना है करें, केंद्र ने सभी राइट। अब इसीलिए तो देखिए यही तो खेला है, और इसी चीज को समझिए कि क्या इस चीज को कि मैं ये कह रहा हूं, किशोर जी जी ने जो सवाल उठाया उसी को मैंने तो पहले अभी दो मिनट पहले तो इसी पर तो मैंने चर्चा किया। अब देखिए कि इस चीज को, इस चिरकुट को देखिए जरा सा, ये चिरकुट बहुते क्रांतिकारी करके ये अरविंद केजरीवाल का एक इंटरव्यू ले रहा था, और अरविंद केजरीवाल का जब ये इंटरव्यू ले रहा था अपने आप को बहुत क्रांतिकारी समझता है, और इसने कहा है, इसकी एक स्टोरी जो है वो शेयर की गई है, इसने कहा है कि सभी सीएम को इस्तीफा देकर गद्दी मोदी जी को सौंप देनी चाहिए, बोले पुण्य प्रसून वाजपेयी। ये इसका ट्वीट है और इस ट्वीट के आधार पर जो है इसकी खबर तैयार की गई है। अब आप इस चीज को जब समझेंगे तो ये होगा कि ऐसा क्यों बोला गया। दरअसल इन सबके अंदर एक ऐसा पागलपन समा गया है, एक ऐसी बेचैनी इन सबके अंदर समा गई हुई है, इन सबको लगता है कि बंगाल के चुनाव के बाद अब कुछ भी नहीं बचेगा, ये बंगाल का चुनाव जो है ये हमें बर्बाद करके रख देगा, और इन सबकी बेचैनी इस कदर बढ़ गई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि किस कदर है कि देखिए कि जब पहली बार लॉकडाउन लगाया गया इन चिरकुटों की टोली ने कहा कि मोदी अकेले फैसला कैसे ले सकते हैं, राज्यों की अपनी अपनी सरकार है, सभी राज्य सरकार ले फैसला। आज जब राज्यों को यह दिया गया अधिकार तो इधर की बेचैनी दूसरे तरीके की है। अब इस चीज को समझिए, ये राहुल गांधी ने कहा, ये ट्वीट जो है राहुल गांधी का चल रहा है, शमशान कब्रिस्तान, शमशान और कब्रिस्तान, जो कहा सो किया। ये दरअसल ये अपने आप में ये दिखाता है कि ये अराजकता के लिए किस ढंग की चीजें हैं। इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि एक प्रधानमंत्री जो आया है वो इस देश में सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैलाना चाहता है और उसके पास किसी ढंग का कोई काम नहीं है। अगर अंधेरा हो तब तक उजाले की कीमत नहीं जान पाएंगे। बड़ी लाइन आपने एक लाइन में, बहुत बड़ी लाइन जो इतना जिन्हें लिख दिया है, इसीलिए मैं इसीलिए कहता हूं कि राक्षसों का होना बहुत जरूरी है, इन खिलंदरों का होना जरूरी है। इसीलिए खैराती पांडे ने एक फर्जी, जैसे हमेशा फर्जीवाड़ा करता है, शाहरुख को अनुराग मिश्रा बनाता है और इस तरह की फर्जीवाड़ा करता है, तो कल उसने एक फर्जी पोस्ट फेसबुक पे लिखा था। तो आमतौर पर मैं दूसरे के पोस्ट पे कॉमेंट्स नहीं करता, तो खैराती पांडे ने एक पोस्ट किया था, तो मैंने इसीलिए उस पर लिखा कि तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है, तुम्हारा षड्यंत्र करना जरूरी है, तुम्हारा शाहरुख खान को अनुराग मिश्रा बनाना जरूरी है, तुम्हारा अमित शाह के खिलाफ षड्यंत्र करना जरूरी है, तुम्हारा अपने बलात्कारी भाई के लिए देश के 8-8 कद्दावर वकीलों का सामने लाकर उसका बचाव बहुत जरूरी है, तुम्हारा दिन रात षड्यंत्र बहुत जरूरी है, इसलिए कि देश तुम जैसे लोगों को देखता रहे, और तुम जब षड्यंत्र करोगे तो थोड़ी बहुत यदि गलती सामने से होगी तो लोगों को लगेगा इस गलती की सजा यदि हम देते हैं तो क्या होगा। अब इस चीज को समझिए, आप कल्पना कीजिए कि आज सोनिया गांधी की मनमोहनी सरकार होती तो इस देश में क्या हो रहा होता, लाखों लाख की संख्या में लाशें बिछ रही होती इस देश में,
यदि वैसी करप्ट सरकार होती तो आज क्या हो रहा होता। इस 70 साल में मैंने कुछ आंकड़े जुटाए, मैंने कुछ अभी प्रयास ये किया आपके लिए कि जो लोग ये कह रहे हैं ये कोरोना और इन सब चीजों को लेकर के जो जो ये खेला चल रहा है, तब आप समझ पाएंगे कि ये इसके इसके मायने क्या है। दरअसल 5 राज्य जो है वो कांग्रेस शासित राज्य है। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स के को लेकर के मैं कहता हूं कि इस अभी जो बेला है उसमें राजनीति पर नहीं जानी चाहिए, मगर जब तक आप नहीं जाएंगे इनके षड्यंत्र को नहीं समझ पाएंगे, आप भी उनके शिकार हो जाएंगे जो सोशल मीडिया पर कुछ चिरकुट टाइप के चमगादड़ हैं, या फिर आप टीवी देखते हैं तो आप जिसे आप राष्ट्रवादी चैनल कहते हैं, या फिर अदालत लगाने वाले जो बड़े बड़े राष्ट्रवादी हैं उन सबके षड्यंत्र के आप शिकार हो जाएंगे। अरे यार हम तो कल तक तो हम इन्हीं को सुनते थे, कल तो हम DNA देखते थे, कल तो हम अदालत देखते थे, कल तो हम फलाना चीज देखते थे, आज भी ये भी तो कह रहे हैं कि ये रैली बंद क्यों नहीं होते। मैं रैली बंद करना ना करने पर अभी कुछ भी नहीं कह रहा, मगर मैं कह रहा हूं कि यदि ये शमशान और कब्रिस्तान की बात राहुल गांधी से ट्वीट कराया जा रहा है तो ये समझना पड़ेगा कि इस राज्य इस देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 5 राज्य जो है कांग्रेस की है और उसमें 44% जो मरीज हैं वो इन्हीं 5 राज्यों में। ऐसा क्यों है? ये महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, पंजाब है, झारखंड है। मैं इसके लिए क्लेम भी नहीं करता कि कांग्रेस शासित है इसीलिए हो गया, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि जब राहुल गांधी रैली बंद करवाते हैं एक षड्यंत्र के, एक देखिए जो आदमी 4 फेज में चुनाव प्रचार करने ही नहीं गया वो घोषणा कर रहा है कि मैं आगे नहीं जाऊंगा। तो कुछ साथियों ने मुझे बंगाल से कहा कि मनीष जी लोग इसको यहां सही मान रहे हैं और भुनाया जा रहा है कि राहुल ने तो बढ़िया पहल की है बंगाल में। मैंने कुछ साथियों से पूछा आज की इसका असर क्या है, बंगाल में क्या हो रहा है, तो लोगों ने इस चीज से बताना शुरू किया कि अब देखिए कन्विंस क्यों, क्योंकि डर तो सबको लग रहा है, इस विपदा में कोई बाहर निकलना नहीं चाह रहा। तो मैक्सिमम जर्नलिस्टों ने मुझे कहा कि मनीष जी हम लोग अब बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं, मनीष हम नहीं चाह रहे बाहर की, अब हम लोग जो है किसी पब्लिक गैदरिंग वाली बाइक नहीं लेंगे, टेलीविजन चैनल यदि हमसे लाइव मांगेगा तो लेंगे, वरना हम होटल से बाहर नहीं निकलेंगे, चुनाव के दिन भी जो जाएंगे वो पब्लिक पब्लिक की राय नहीं लेंगे, बस चैनल का लाइव लेंगे और कुछ शॉर्ट्स बना देंगे, फॉर्मेलिटी कर देंगे, होगा हो जाएगा, हम वापस अब आना चाहते हैं। डर सबको लगता है, लेकिन यदि चुनाव नहीं होता तो फिर ये क्या करते। और सवाल ये है कि अभी क्या इतिहास हो गया, 600 साल हो गया जो 4 राज्यों के चुनाव हुए, अभी तो हफ्ता भर भी नहीं हुए ना 4 राज्यों के चुनाव, और राहुल गांधी ने कहा कि हम चुनाव प्रचार नहीं करने जाएंगे। राहुल गांधी ने कौन सा चुनाव प्रचार किया था बंगाल में, और पूरा जो है नाक रगर रगर के केरल में, तमिलनाडु में और असम में तो खूब प्रचार किया, केरल में चूंकि वायनाड है तो वहां तो खूब प्रचार किया। अब कह रहे हैं कि शमशान और कब्रिस्तान की बातें राहुल गांधी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये अराजकता फैलाने का षड्यंत्र है क्या? इस चीज को समझिएगा तब आपको बेहतर तरीके से ये समझ में आएगा कि ये सामान्य चीज नहीं है। ये सामान्य चीज इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें आपको ये चीजें इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सामान्य चीजें नहीं है कि अब देखिए ये केजरी का आपको चलिए अभी मुझे लगता है स्क्रीन पे नहीं गया, यदि ये देखिए ये केजरीवाल ने दिल्ली स्थित स्थिति इसका केजरीवाल का जो दिन रात ये आदमी आ जाता है टीवी पे, इस आदमी ने 4 दिन पहले कहा है कि 3 दिन 4 दिन पहले कि दिल्ली में 5,000 बेड जो है खाली है। तो क्या हो गया भाई, दिन रात कह रहे थे दिल्ली में कोई कमी नहीं है दिल्ली के अस्पतालों में, फिर आज केजरीवाल का दिल्ली की स्थिति गंभीर है, नहीं बचे ICU बेड, चिट्ठी लिखकर PM से मांगी मदद। अब देखिए पिछली बार भी ये आदमी दिन रात टेलीविजन पे प्रचार करता था और इतने एड्स आते थे इसके, उसके बाद ये 24 घंटे आप पागल हो जाएंगे ये टीवी पर ये आदमी दिखना शुरू हो जाएगा और हर चैनल पे दिन रात यही आदमी दिखाई देगा आपको, और इतने ऐड की कोई भी चैनल दिल्ली के बारे में सवाल आपको करता हुआ नजर नहीं आएगा। आपको पिछली बार याद होगा कि जब अमित शाह दिल्ली में निकलना शुरू हुई LNJP अस्पताल समेत तमाम अस्पतालों में, तब स्थिति में कंट्रोल हुई। मैं फिर कह रहा हूं जब तक अमित शाह फिर नहीं निकलेंगे दिल्ली की स्थिति कंट्रोल होने वाली नहीं है। ये नाटक का पूरा सिस्टम समझिए कि 2 दिन पहले कह रहे हैं कि 500 बेड जो है वो खाली है, किसी ढंग से किसी चीज की कोई कमी नहीं, और आज ये आदमी
कह रहा है चिट्ठी लिख करके पीएम से मदद मांगा है। तो क्या ये सब चीजें बिल्कुल सामान्य है, ये एकदम से ये शमशान कब्रिस्तान ये सब कुछ बिल्कुल है, ये राजदीप सरदेसाई का ये ट्वीट एक सामान्य मामला है और देवेंद्र फडणवीस ने जो आज शिकायत किया है वो सब कुछ सामान्य है, या इसके पीछे एक बड़ी साजिश है? क्या इस विपदा के बेला में बंगाल के चुनाव से पहले कोई अराजकता की साजिश है क्या? एक लगातार एक ट्रेंड ये भी चल रहा है, आपने देखा होगा, उन चिरकुटों का नाम लेना जरूरी नहीं है, कुछ फिदायीन पत्रकार, कुछ जिहादन जिनको आपने दिल्ली दंगा के समय में, शाहीन साजिश के समय में रेगुलर देखा होगा, इन जिहादन पत्रकारों ने ये लगातार करना शुरू किया है अपने वेबसाइट पे और ट्विटर पे कि आपने अस्पताल मांगा तो आपको, आपने मंदिर मांगा तो अस्पताल कहां से मिल जाएगा, तो मंदिर तो 90 से मांगा जा रहा है और एक अयोध्या का मंदिर बना है तभी इतनी परेशानी है, काशी मथुरा तो अभी बाकी है, काशी में तो अभी शुरू ही हुआ है। लेकिन मैं कुछ आंकड़े भी लेकर के ये सोचा कि जैसे मैंने कहा कि 28 राज्यों में से 5 में कांग्रेस शासित है, 17,05,649 केस जो है इन दिनों में बढ़े हैं 5 राज्यों में, उसमें इन 5 राज्यों में, इन 17 लाख में से 7,05,957 केस इन 5 राज्यों में। अस्पतालों का मैं इकट्ठा कर रहा था कि 73 साल जो ऑक्सीजन सुविधा युक्त जो जो बेड हैं, वो ऑक्सीजन सुविधा युक्त बेड की जब मैं बात कर रहा था, मैंने देखा तो 62,000 ये 73 सालों में 62,458 थे मात्र ऑक्सीजन युक्त बेड जो थे। मार्च 2022 के बाद मतलब अब जो है 94,848 है। इस तरह से ये 9 महीने में ये वृद्धि हुई है। इसी ढंग से मैं अलग अलग चीजों के आंकड़े देख रहा था कि किस तरह से ऑक्सीजन से वेंटिलेटर की संख्या में कैसे इजाफा हुआ है इस 9 महीने में, ये इस पीड़ा के दौरान वेंटिलेटर की संख्या में कितने इजाफे हुए हैं, तो पता चला कि सरकारी अस्पतालों में जो ये वेंटिलेटर की जो सुविधाएं थी वो मात्र 17,000 के आसपास था। और ये तमाम आंकड़े 70 साल के ऐसे पेश किए जा रहे हैं। एम्स की बात की गई थी तो इस देश में एक एम्स था, उसके बाद जब वाजपेयी जी ने ये प्रयास किया तो कांग्रेस की जो 10 साल की सरकार रही चुपचाप बैठी रही और अंतिम जाते समय में मनमोहन सिंह ने 2013 में एक प्रस्ताव रखा कि एम्स की संख्या हम 6 और बढ़ाएंगे। आज देश के तमाम राज्यों में एम्स की व्यवस्था है लगभग लगभग। सवाल इस बात का नहीं है कि किसी सरकार के लिए क्या अच्छा बुरा ये एक परेशानी है, मगर हम दुनिया के वो राष्ट्र हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले हैं चाइना के बाद, चाइना से हमारी कोई तुलना नहीं हो सकती। ये विपदा अमेरिका और यूरोप इस तरह से झेल रहा है, हम उसके सामने में क्या हैं? लेकिन बावजूद इसके पिछले 8-10 महीना में एक बेहतर फाइट भारत ने किया, लेकिन इस सेकेंड वेव में जिस ढंग से चीजें दिख रही है, जिस ढंग से दिखाई जा रही है, भयावह तो है, लेकिन इस चीज में ये जो चीजें आपको महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के माध्यम से जो आई है तस्वीर, और जिसके बाद ऑक्सीजन देने वाले इस बिजनेसमैन को जैसे टॉर्चर करने की कोशिश की गई है, उससे ये चीजें स्पष्ट हो रही है कि क्या ये सामान्य है। आप केंद्र की सरकार से कहते हैं कि प्रधानमंत्री पीएमओ को हमने फोन किया और राजदीप सरदेसाई जैसे खलियर खिलंदरों से आप ट्वीट करवाते हैं कि जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने पीएमओ में फोन किया कि महाराष्ट्र को ऑक्सीजन के सिलेंडर्स चाहिए, तो पीएम बताया गया कि पीएम जो है बाहर है, जैसे पता नहीं कि मतलब आप 17वीं शताब्दी में जी रहे हो, आपको पता ही नहीं कि पीएम कहां है, आपको एग्जैक्ट वही समय चाहिए था जब पीएम इस वहां पे नहीं है, तब आपको इस खेल का समझ में आएगा। और मुझे लगता है कि आज का विश्लेषण इसीलिए ये बहुत, मैं इसे कह रहा हूं कि ये बहुत खतरनाक। तो क्या बंगाल में, अनिका जी कह रहे हैं कि आप किसी भी महापुरुष की जीवनी पढ़ लीजिए, सभी ने ऐसे ही वितंडावाद का सामना करते हैं जैसे आज मोदी कर रहे हैं, बिल्कुल। और मुझे लगता है कई बार तो मुझे लगता है कि वो हार करके, मतलब यदि कमजोर आदमी होते तो ये कह देते चलो यार चिरकुटो तुम्हें जो करना है करो यार, मुझे क्या मतलब है। लेकिन जब आदमी तप और योग इस तरह से
तैयार हुआ होता है तो इन राक्षसों से लड़ने की ताकत आ जाती है, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये ताकत उन्हें कहीं ना कहीं आ रही होगी। कई बार गुस्सा हम जैसे लोगों को भी होता है कि मोदी इस तरह से क्यों करते हैं, कई बार हमें भी लगा कि यार ये जो किसानों के रूप में जो ये फ्रॉडों की टीम जो बैठी हुई थी इधर उधर चारों तरफ, इसको एकदम से बलपूर्वक प्रयोग क्यों नहीं किया। आज लगता है कि यदि बलपूर्वक प्रयोग किया होता तो देश में अराजकता फैला देती, ये दंगा करवा देती, गृह युद्ध करवा देती। तो यही तरीका है लड़ने का। कई लोग कहेंगे सरकार कैसी है, खत्म क्यों नहीं कर देती है। इतना आसान नहीं है कह देना, क्योंकि जब चौतरफा आप राक्षसों से घेरे हुए हो, जो गृह युद्ध हमेशा कराने की तैयारी में हो, शाहीन साजिश में हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश की गई, किसानों के नाम पर खालिस्तान वाला गेम करने की कोशिश की गई, तब आपको समझ में आएगा कि खेल इतना आसान भी नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं। दिव्य धवन कह रहे हैं कि एक वर्ष पूरी दुनिया में हार्ट अटैक में 1.8 करोड़, कैंसर से 1 करोड़, किडनी फेल से 50 लाख से अधिक लोग मर जाते हैं, लेकिन कोरोना में पिछले 15 महीने में 30 लाख लोग मरे हैं। क्या कोरोना इन रोगों से घातक है? अब ये तो मैं नहीं कह सकता धवन जी, लेकिन इतना तो है कि भयावह स्थिति तो है। एक सवाल फिर उठता है कि क्या कोरोना आ जाने के बाद बाकी की बीमारियां खत्म हो गई है क्या? ये अपने आप में एक सवाल है जो आपके सवाल पर एक मुझे लगता है कि उसको एक मुहर लगाने वाली बात है कि क्या कोरोना आने के बाद दूसरी चीजें खत्म हो गई क्या? किशोर जी, क्या हम नहीं भूले चिकन नेट की बातें, नहीं भूल पाए बंगाल में भारी मात्रा में विदेशी प्रजा बस जाने से, बंगाल को अस्थिर करने की, वहां की जनता को भी बचना है चाहिए, देश को भी। बहुत अच्छी बात किशोर जी आपने कही है, और यही षड्यंत्र है कि किसी तरीके से बंगाल में चुनाव प्रचार रुकवा देना, किसी तरह से मोदी को रोकना, उस विजयी रथ को रोक देना, क्योंकि इनके लिए बंगाल महत्वपूर्ण है। और तभी मैंने याद, एक मुझे 6 महीने पहले मैंने विश्लेषण किया था जिसमें कांग्रेस कोटे के पत्रकारों ने एक यूट्यूब चैनल पे बैठ करके विश्लेषण किया था कि बंगाल में यदि बीजेपी जीत गई तो इस देश से उसी दिन लोकतंत्र को खत्म कर देना जरूरी होगा। तो ये समझिए कि ये आज से नहीं चल रहा है, ये पूरा षड्यंत्र एक लंबे समय से चल रहा है, और सबके सब ये कह रहे हैं कि मोदी के विरुद्ध हंगामा क्यों नहीं हो रहा। आज के रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं, आज हर अपने आप को निष्पक्ष दिखाने की जो बीमारी जो होती है, एक उस बीमारी के कारण मेरे कई साथियों ने लिखा कि फलाना चैनल जो है उसमें एक जो है एक पत्रकार है, वो कोई अरदाना है, पता नहीं कुछ ऐसा ही कुछ नाम है, वो जो राष्ट्रवादी था ऐसा हो गया। अरे भाई, नौकरी कर रहा होता है वो, और नौकरी में अपने चैनल के एजेंडे पे चला जाता है, और कई बार ऐसे तथाकथित राष्ट्रवादियों को इसीलिए नौकरी दी जाती है ताकि उस चैनल की का जो बदले दौर में कल तक जो माइनों की सरकार थी तो उसकी सेवा में थे, तो कुछ ऐसे पत्रकार जिनने अपने चेहरे राष्ट्रवादी बना लिए हैं बदले दौर में, उनको सामने लाया जाए। अब उन्हें लगता है कि ऐसे दौर में यदि मोदी के खिलाफ बोलेंगे तो हम निष्पक्ष दिखेंगे और लोग हमें कहेंगे अरे यार ये तो सच को सच और झूठ को झूठ बोलता है। ये निष्पक्ष दिखने की जो बीमारी है ना, ये निष्पक्ष दिखने की बीमारी भी खतरनाक है। ये निष्पक्ष दिखने की बीमारी है जो आप जजमेंट नहीं कर पा रहे हैं कि ठीक है राहुल गांधी ने कह दिया हम नहीं जाएंगे, लेकिन सवाल ये कि राहुल गांधी कैसे पहले गए थे बंगाल? क्या राहुल गांधी यदि केरल में प्रचार नहीं करते, क्या उस समय में भी बीमारी नहीं थी? उस समय भी बीमारी थी। कहते कि नहीं हम प्रचार ऑनलाइन ही करेंगे, नहीं करते। क्या ममता बनर्जी ने बंगाल की मुख्यमंत्री, आज भी उन्होंने रोड शो किया है, उनके पैर टूटे हुए रोड शो कर, बहुत अच्छी बात, अमित शाह जी ने कहा कि हम ये उम्मीद करेंगे, हम ये भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ममता बनर्जी जी जो हैं वो बंगाल में जब आए, जब 2 तारीख को जब चुनाव प्रचार खत्म हो जाए और वोटों की गिनती जब हो जाए तो 2 तारीख को जो ममता जी आए तो अपने पांव पे चलकर आएं। हम भी यही चाहेंगे कि अपने पांव पे जाएं। लेकिन इस पूरी चीजों में मैं अब खत्म करता हूं। मैं इस चीज को मैं इसी रूप में समझने की कोशिश कर रहा था। सवाल तो आप लोगों के लिए ही है सुपर चैट के, लेकिन मैं कुछ लोगों के और सवाल ले लेता हूं। इस चीज को कंक्लूड करते एक लाइन में कहने की कोशिश करता हूं कि समझिए कि महाराष्ट्र के एक पूर्व मुख्यमंत्री जब ये कोशिश कर रहे थे कि ऑक्सीजन की व्यवस्था कराया जाए अपने बिजनेसमैन साथी के द्वारा, तो कैसे महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार ने उसी आदमी को अरेस्ट कर लिया, थाने में बैठा लिया। ये सामान्य मामला नहीं है। तब ये पता चलता है कि वसूली सरकार दरअसल चाहती क्या है। लेकिन इसे सिंपली वसूली का मामला मत समझिए। मुझे मेरी नजर में सिंपली वसूली का मामला नहीं है।
ये सिंपली वो मामला नहीं है जिसमें मुंबई के कमिश्नर ने अपने गृह मंत्री पर आरोप लगाया कि 100 करोड़ वसूली करवाता था, जिस मामले में सीबीआई के शिकंजे में है, वो उनसे पूछताछ चल रही है। ये सिंपली वसूली का मामला नहीं है। मुझे लगता है कि ये अराजकता फैलाने का एक षड्यंत्र है, और ये एक तरफा महाराष्ट्र से दिल्ली होते हुए जो संजय सिंह ने कहा है कि ये ऐसा प्रधानमंत्री है कि इसका सपना पूरा हो गया कि शमशान हो, अब शमशान शमशान करता था तो पूरे देश को शमशान बना दिया। क्या ये भारत की ही बीमारी है? और क्या आज से पहले सब कुछ ऐसा कुछ था कि पूरे देश में अस्पताल ही अस्पताल थे? फाइट करना जरूरी है, लेकिन समझना जरूरी है कि इस बीच में वो कर क्या रहे हैं, इस बीच में खुद क्या कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। और ऐसा नहीं है कि हर राज्य में सरकार बीजेपी की है। प्रभावशाली राज्यों में, देश के सबसे संपन्न राज्यों में से एक महाराष्ट्र और पंजाब में इनकी सरकार है, और सबसे बुरे दौर में महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में तो लोगों ने कोरोना वैक्सीन ही नहीं लेने दिया। इसीलिए समझना पड़ेगा कि बंगाल की हार से पहले सचेत होकर के रहना पड़ेगा कि कोई अराजक स्थिति तो देश में नहीं लाया जाने, कोई अराजकता की स्थिति तो नहीं लाया जा रहा है, कोई भारी असंतोष के बीच इस देश के खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र तो नहीं हो रहा है। इन सब के पीछे ये समझना पड़ेगा कि क्या मोदी के खिलाफ, मोदी से पीछा छुड़ाने का कोई अंतिम दांव तो ये नहीं है कि कैसे, यही दांव है कि इससे मोदी से पीछा छुड़ा लेने का ये दांव है, ये भयंकर असंतोष फैलाने का दांव। इस भयंकर असंतोष में जो अराजकता का दांव है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि यही मुझे कहना था। मोदी जी का पहला लक्ष्य बॉर्डर स्टेट को सुरक्षित करना है, और इसीलिए पंजाब वाला, देखिए हर स्थित को समझिए, पंजाब वाला खेल किसानों के नाम पर कैसे हुआ, उससे पहले शाहीन साजिश कैसे हुई, हर चीज चुकी, इन सबका बहुत गेम हो गया, गेम बज गया और सब चीजें फेल हो गई। ये किसानों का आंदोलन के मामले में दिल्ली में जो बड़े लेवल पे नरसंहार चाहते थे, वो खेल खत्म हो गया। बॉर्डरों से किसान गायब हो चुके हुए हैं, बिल्कुल गायब हो चुके हैं। कल नरेश टिकैत आया हुआ था दिल्ली के बॉर्डर पे, अब मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि वो सामने जब सन्नाटा देखा तो बिल्कुल हताश था। तो ये लोग जो दिल्ली में एक खेला करना चाहते थे, वो खेला हो नहीं पाया, इसके कारण हताशा है। और बंगाल के चुनाव परिणाम इस देश के पूरे समीकरण को बदल देगा, ये षड्यंत्र के खिलाड़ियों का को इस कदर हताश कर देगा, खलिहर पत्रकारों की टीम को इस कदर हताश कर देगा, ये जो उल जुलूल हरकतें करते हैं ये सब ऐसे ही करते रहेंगे, और इन सब का होते रहना बहुत जरूरी है। मगर इन तमाम चीजों के बीच में आप कतई मत भूलिएगा आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री के उस बयान को, और जो कुछ भी मैंने सामने रखा है उसे समझने की चीजों को। विदित जी कह रहे हैं एक दिन दिल्ली में, एक तरफ दिल्ली में सीएम केंद्र के आगे गिरगिराता है और दूसरी तरफ उसका राज्यसभा एमपी मोदी पर गुर्रा रहा है। इसी का मैंने विश्लेषण करने की कोशिश की है। और कैसे ये गिरगिराते के साथ साथ कहता है कि हमारे पास सब कुछ है, तो ये अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको समझने की जरूरत है। अरिंदम चौधरी जी कह रहे हैं जिस महापुरुष ने बितंदावाद का सामना नहीं किया, समझिए नंबर वन सेटिंगबाज है, स्वयं को भी भारत रत्न देकर आत्मगुद रहने वाला सेटिंगबाज। और ये ऐसे ऐसे सचमुच कैसे कैसे लोग हुए कि जो अपने आप को भी भारत रत्न दिलाते रहे, ये दौर ऐसा ऐसा रहा। अमेरिका, फ्रांस, इटली, यूरोप, चीन में मंदिर नहीं है, वहां अस्पताल क्या उखाड़ लिया। ये बिल्कुल दास साहब ने बिल्कुल सही कहा है, और इसीलिए इनके षड्यंत्र को देखिए, सचेत रहने के साथ साथ जिंदगी को लेकर के सचेत के साथ। फेक न्यूज पे कानून सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती, ये मुझे लगता है कि धीरे धीरे पूरी चीजों को हम और आप जैसे लोग जब समझने लगेंगे, और समझने के साथ साथ मैं तो ये कहता हूं कि ये तब तक नहीं होगा जब तक इस देश, ये पूरा पूरा देश इस चीज को नहीं समझेगा। कल तक आपको लग रहा था फेक न्यूज से, अब आपको गुस्सा आने लगा है ना, फेक न्यूज पे धीरे धीरे काम हो रहा है, फेक न्यूज पे फर्क ये तो कम से कम पर नहीं लगा है ना, कि आप देख रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हुई, इन सब के ऊपर FIR हुई, धीरे धीरे ये सब
गिरफ्त में आएंगे और उसके बाद इन सबके ऊपर कार्रवाई होगी। क्योंकि यदि इन सबके ऊपर कार्रवाई होने लगी तो आप देखिए कि ये सब इतने पावरफुल हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सेलेक्टिव है, कम की संख्या में है, लेकिन देश के कानून मंत्री को स्मृति ईरानी को कुर्सी से हटवा दिया है इन लोगों ने, क्योंकि स्मृति ईरानी ने इसी फेक न्यूज मेकर्स के ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश की थी। तो इन सब ने स्मृति ईरानी को ये हल्के में मत लीजिए, ये सालों तक खा करके मोटे चूहे बने हुए हैं, मगर मोटे चूहे को सजा देना आसान है, आप छोटे छोटे चूहे को पकड़ नहीं पाएंगे, मगर मोटे चूहे को एक बार यदि आप पीछे से चप्पल फेंक के देखे तो वहीं पे गुलट जाता है वो। इसीलिए खा करके मोटे हो चुके ये चूहे हैं, इन मोटे चूहों पर अब इनके दिन अब लग चुके हुए हैं। इसीलिए मेरा एक छोटा सा प्रयास ये था, इस बात को हम समझ सकें, क्या हम सब समझ रहे हैं इस बात को कि खेल कितना जबरदस्त, कितना खतरनाक हो रहा है। दिव्यांशु जी कह रहे जावड़ेकर साहब कद तो सोए हुए रहेंगे, जावड़ेकर भी वैसे ही हैं कि अब इनके ऐसे ऐसे शिक्षा मंत्री भी वैसे ही और सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी वैसे ही। दिव्यांशु जी किशोर जी कह रहे समझो हमारे घर में 10 लोग हैं और 6 लोगों को जुलाब हो गया एक ही समय में और शौचालय एक ही है तो क्या करेंगे। ये 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 मुझे लगता है इस तरह का एक आध मैंने व्हाट्सएप भी देखा, व्हाट्सएप नहीं कुछ मैंने अपने एक पत्रकार साथी को इसी ढंग का एक कमेंट्स देखा है कि आप तैयार होते हैं आपको पास घर में बाथरूम एक ही होता है और जब एक ही साथ लूज मोशन का शिकार आप हो गए, इसी ढंग का मुझे लगता है किशोर जी कहना चाह रहे हैं। और ये कमेंट्स मैंने बड़े पैमाने पर देखा इसे समझने के लिए, दरअसल ये सब चीजें उन षड्यंत्रकारियों को समझने के लिए। कई बार क्या होता है कि हम ऐसे समय में ये देखिए ये जो लिबरल वामपंथी षड्यंत्र है वो ऐसे समय ही आपको अपने कब्जे में ले लेते हैं, वो आपको कन्विंस कर देते हैं, अरे सही में आप सोचेंगे अरे सही में यार पूरा देश इस पीड़ा में है और अमित शाह रोड शो कर रहा है, ये रोड शो यदि सिर्फ इन्हीं सब चीजों से हो रहा होता तो 4 दिन पहले तक तो केरल में हो रहा था। सवाल यह है कि इन तुम्हारा इंटेंशन बंगाल के लिए इतना पागलपन तक क्यों है कि बंगाल में क्यों हो रहा है, इसलिए ना दूसरे राज्यों के लिए क्यों नहीं था। लेकिन सवाल सिर्फ सत्ता बंगाल से जाने का नहीं है, बंगाल के सत्ता के जाने का चोट कैसा है। और इस बात को समझिए, बंगाल की सत्ता ना वामपंथ की जा रही है ना कांग्रेस की जा रही है, या तो टीएमसी की जा रही है और टीएमसी की तो बंगाल के अलावा कहीं शासन ही नहीं है, और ममता बनर्जी को ये लेफ्ट लिबरल गिरोह के खिलंदर खिलाड़ी ये पिस्सू, ये तो ये जो सरकारी पिस्सू हैं जो कांग्रेस के पाले हुए पिस्सू हैं ये तो ममता बनर्जी के पिस्सू हैं नहीं, तो क्या आपको लगता है कि ये ममता बनर्जी के लिए इस तरह से पागल बने हुए हैं। फिर समझिएगा कि ये कहां तक जा सकते हैं, इन्हें ममता बनर्जी से क्या मतलब है, लेकिन क्यों ममता बनर्जी को बचाने के लिए बेचैन है, इस बात को समझना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि ये कोशिश ये की गई थी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इस विश्लेषण को अब यहीं मैं विराम देता हूं, ताकि चेतन जी कह रहे हैं कि मोदी इन भेड़ियों को पिछले 22 साल से झेल रहे हैं, बस इनका अंत नजदीक है, झेल नहीं रहे हैं, इन सबका धीरे धीरे खात्मा कर रहे हैं, और उनका स्टाइल दूसरा किस्म है, जिसे कुछ लोग जब खात्मा करते हैं ना तो वो बहुत तीव्र गति से करते हैं, और ये चूंकि पके हुए जो लोग होते हैं वो कैसे करते हैं, जैसे शाहीन साजिश को खत्म किया, जैसे किसान आंदोलन खत्म किया, ये सबके बस की बात नहीं थी। हम जैसे लोग भी सोचते थे कि कई बार की कार्रवाई क्यों नहीं करता, वैसे मैं हमेशा से शुरू से कहूंगा तो मैंने हमेशा से यही बात कही थी ऑफिशियली यहां समझ आपके विश्लेषण में कि इसे धीरे धीरे मारेंगे वो शाहीन साजिश के तहत। जब सुप्रीम कोर्ट अपने दांव चल रहा हो कि दूसरे चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकार तीसरे का समझ में आता है कि कह रहा हो सुप्रीम कोर्ट की एक आदमी का जब मौलिक जो अधिकार है उससे दूसरे का अधिकार नहीं दबना चाहिए, तो एक आदमी रोड पे बैठ गया और लाखों लाख आदमी का बिजनेस चौपट कर रहा है कुछ सो कॉल्ड किसान, सुप्रीम कोर्ट ने कभी ऑर्डर नहीं किया कि इसको हटाते क्यों नहीं हो। तो जब सब आदमी अपने अपने दांव चल रहा है तो उसमें सरकार ये काम करके वहां खून खराबा करके अपने पक्ष कमजोर नहीं करती। दरअसल षड्यंत्रकारियों की टीम यही चाह रही थी, जो तथाकथित किसान है इनके बाप का क्या जाएगा, किसी किसान आंदोलन जीवियों का क्या जाता है, यदि 50-60 सो कॉल्ड किसान मर जाते मारे जाते तो जिसके परिवार के लोग जाते फर्क तो उसे पड़ता ना, इन आंदोलन जीवियों को क्या फर्क पड़ता, इन खैरात जीवियों को क्या फर्क पड़ता। ठीक वैसे ही ममता बनर्जी के लिए क्या फर्क पड़ता है, जो उनके तुष्टिकरण का वोट है उसमें से जब 4 लोग मारे गए तो ममता तो अब तो ऑन रिकॉर्ड है कि कह रही है कि इन लाशों को लेकर के कल घूमना है, व्यवस्था करो कि प्रोटेस्ट करना है, डीएम आईजी के खिलाफ
ऐसा करो कि आईजी को कैसे फंसाया जा सके, एसपी को कैसे फंसाया जा सके, ये चीज तो रिकॉर्ड में आ चुका, लेकिन इस पे पूरी चुप्पी है। यदि इस देश के जर्नलिज्म का काम होता उस पे हमला होता कि इस पे ये कैसे एक राज्य की मुख्यमंत्री कह रही है कि फसाद करवा देना है, लाश मत देना फैमिली वालों को, और पूरी मीडिया की इस पे चुप्पी देखिए, घेराव अमित शाह की। तो आज इसलिए बड़ी चालाकी से अमित शाह ने आज बंगाल की एक रैली में कह दिया कि पूरा षड्यंत्र मुझे और मोदी जी को खत्म कर देने की है। खत्म कर देने मतलब पॉलिटिकली, ये बात उन्होंने आज घोषणा आज उन्होंने रैली में कही है और कहा कि मैं देश का गृह मंत्री, क्या मैं बाहरी हूं? तो ये तमाम चीजों को मुझे लगता है कि समझने की जरूरत है। मुझसे भी लोग यही अपेक्षा कर रहे होंगे। कल मुझसे लोग अपेक्षा करते थे कि मनीष पेट्रोल पे क्यों नहीं बोलते हैं आप, आज देखिए पेट्रोल की कीमत कम हो गई है लगातार दो राउंड में, तो बैठ करके पीते जाओ, बैठ करके पानी क्यों पियोगे, पेट्रोल पियो, अब कम हो रहा है ना, पिछले 20 दिन से बढ़ा नहीं, लगातार दो दो तीन दिन कम हुआ है, तो उसको लेकर के पीते रहो। जिन लोगों को ये अपेक्षा थी कि मनीष आप क्यों नहीं बोलते हैं पेट्रोल पे, तो अब बोल रहा हूं कि उठा उठा के पीना शुरू कर दो पेट्रोल। दरअसल इन सब चीजों में इनके षड्यंत्र को समझना पड़ेगा, बस इतना ही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, शुभरात्रि। शुभरात्रि मोदी, काम करते करते हम ऐड हो जाएंगे। पार्थो मेरे पधारो मारे न्यूयॉर्क, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे नाराई साथी हैं, कहना नमस्ते मनीष भाई। इस कोरोना काल में आप जिस तरह से इन खरातियों को, चिरकुटों की पोल खोल रहे हो, आपका काम बहुत इस सराहनीय है, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत आभार। मुझे लगता है कि ऐसे कंडीशन में शायद अकेले पड़ गया हूं कई बार ऐसा लगता है, क्योंकि लेकिन फिर भी ये लगता है कि दिन में मैंने सोचा कि अब बार बार करने से ज्यादा इनके विश्लेषण की चीजों को एक बार ही काटा जाए कम से कम, और इनके षड्यंत्र को बस कुछ लोगों तक पहुंचाया जा सके, तो वही श्रेकर है। हजारों हजार लोग मुझे देखें या ना देखें, षड्यंत्र के तहत जिस तरह से आपके प्रिय चैनल मनीष ठाकुर शो को लाइव के लिए रोका गया, कोई बात नहीं, विश्लेषण में वहां डाल देता हूं। जो लोग व्यूअर्स जो यहां नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि नोटिफिकेशन, यदि देखिए यूट्यूब का एक चरित्र है कि यदि आपको नोटिफिकेशन ही नहीं मिलेगा तो क्यों, यदि कोई ये सोचता है कि मेरा शो बहुत देखा जा रहा है तो उसका कोई ऐसा कारण, नोटिफिकेशन यदि नहीं पहुंचेगा तो आप अच्छा शो करके भी कुछ नहीं करेंगे, तो ये उनकी स्ट्रेटजी है, वो क्या कर रहे हैं। लेकिन यदि 10 लोगों तक भी ये फैक्ट पहुंच सका, मुझे खुशी इस बात की हुई कि कल तो धीरेंद्र पुंडीर ने आपके शो में आकर के कह दिया कि हाँ, मुझे ममता बनर्जी के शो में दो लोग आए कहने कि मैंने आपको मनीष ठाकुर जी के शो में देखा है। अब इतने पत्रकार हैं इतने दिनों से, 25 साल से कंटिन्यू, मेरी तरह बीच बीच में नौकरी नहीं छोड़ी है धीरेंद्र ने, धीरेंद्र लगातार जो है बड़े बड़े चैनलों में काम करते रहे हैं, वो आज तक में जो है करीब 10-12 साल तो आज तक में रहे हैं, लगभग 8-10 साल से वो आज न्यूज नेशन में है, मेरे साथ अमर उजाला अखबार में थे, जिस बीएजी की जो जो राजीव शुक्ला का जो चैनल आज न्यूज न्यूज 24 है उसमें रहे। उसके बाद यदि किसी ने आकर के कहा कि मनीष ठाकुर के शो में देखा तो अच्छा लगा। ठीक वैसे ही कल एक बचपन के साथी ने कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप में आपका वीडियो आया मनीष, जिसमें आपने कहा था कि टीवी मत देखो, वो बेंगलुरु में रहता है दोस्त, उसने ये बातें कही। तो लगता है कि यदि 5-10 लोग भी को भी इस षड्यंत्र से मैं बचा सका, तो इन अराजकता फैलाने वाले खिलंदरों के एक खेल से देश को सचेत कर पाया। और भरोसा रखिए, ये साजिश बेकार चला जाएगा। अनिल अग्रवाल कहने मनीष जी यूट्यूब पर और दूसरे भी हैं, कहाँ चला गया, लेकिन आपके साथ मजा कुछ और है। बहुत आभार, ये आप सबका प्रेम है और इसीलिए कर पा रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। पधारो महारे न्यूयॉर्क, चलिए अवसर मिला तो आप पधारो, जो आपका है वो कभी ये भी साकार होगा। बहुत दिनों से बहुत सारे जो है नाराई साथी हैं वो ऐसा कह रहे होते हैं, ज्योत्सना जी कह रही हैं कि आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं, और यही ताकत है ज्योत्सना जी, इसी के लिए जो है यहीं से एनर्जी मिलती है, तभी ये कुछ कर पा रहा हूं। और इसीलिए आज हुआ कि इन तमाम चीजों को जोड़ करके मुझे लगता है कि सबके सब, मैं जितने लोगों से बात करता हूं इस मामले पे, सबके सब कन्विंस हैं कि रैली बंद कर देनी चाहिए, मोदी को नहीं जाना चाहिए, मगर मोदी उतनी ताकत से जा रहे हैं, सिर्फ इन सब चीजों से नहीं होगा। आप यदि सचेत हैं, चीजें ठीक हैं, आप किसी राक्षस को अवसर नहीं दे सकते कि इस पूरे सिस्टम पे वो कब्जा कर लें। अभी जरूरत इस बात की है कि बंगाल से एक ऐसी सत्तासीन महिला को हटाने की जिम्मेदारी जरूरी है जो लाशों की राजनीति ये करता हो। और
आप कल तक नरेंद्र मोदी मतलब गुजरात दंगे के झूठ पर आज तक खेल रहे हैं, लेकिन एक ऑडियो सामने आया गया मुख्यमंत्री का कि वो दंगा कराना चाह रही थी, वो लाशों से खेलने की बात कर रही थी, वो कह रही थी वकील को लेकर के FIR करवाओ, वो कह रही थी कि लाश देना मत, वो कह रही थी IG को फंसाना है, और पूरे देश की मीडिया चुप है, पूरे देश की मीडिया की चुप्पी है, और वो कह रहे कि सत्ता मीडिया तो काम तो सत्ता के खिलाफ मीडिया का काम है। तो महाराष्ट्र में भी बंगाल में भी तो सत्ता में है ममता बनर्जी, तो क्यों नहीं महाराष्ट्र बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ मीडिया बोल रही है? और नरेंद्र मोदी जब बंगाल कौन से सत्ता में थे, केंद्र की सत्ता में, कि लगातार 10 साल तक जो है पीछे पड़े रहे, उसके सवाल नरेंद्र मोदी और इन सब चीजों का नहीं है, सवाल इन खैरातियों के षड्यंत्र का है जो बड़े लेवल पर भारत के खिलाफ हो रहा है। उस षड्यंत्र को समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि केजरुद्दीन कल तक कह रहे थे कि हमारे पास दिल्ली में 500 बेड खाली हैं, लेकिन आज एकाएक कह रहा है प्रधानमंत्री जी मदद कीजिए। दरअसल ये इसलिए कि चौतरफा घेरो कि सब कुछ यही करेगा और उसके बाद हाथ पर हाथ धरे बैठ जाओ, दिन रात प्रचार करके कहो दिल्ली में हमने ये कर दिया वो कर दिया, और उसके बाद जब लोग मरने लगे तो ये कहना शुरू करो कि प्रधानमंत्री जी बचाइए बचाइए। पिछली बार भी यही हुआ था, जब गृह मंत्री मैदान में आए थे तब स्थिति ठीक हुई थी, और जब वीडियो आ गए थे कुछ अस्पताल के अंदर से दिल्ली के अस्पतालों का अराजकता के, तब पोल खुली थी, वरना TV पर तो ऐड चल ही रहा था। तो ये चीजें हैं, इन सब चीजों को समझने की जरूरत है। चलिए इस विश्लेषण को अब हम लोग यहीं बंद करते हैं। मुझे लग रहा है कि इस विश्लेषण से आप कन्विंस हुए, यदि संभव हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए इस बात को। ज्यादा से ज्यादा प्रयास तो होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। किताब कोई लेखक लिखता है तो उसका उद्देश्य कमाई का नहीं होता, उसका उद्देश्य कमाई का तो होता ही है, लेकिन आप यकीन मानिए कि पुस्तक लिखने वाला, ये दुर्भाग्य इस देश का कि लेखक इतना दिन रात मेहनत करता है और वो शोषित वर्ग है, वो कमाने उसके कमाता नहीं है, लेकिन चार लोग जब उसकी किताब पढ़ते हैं तो संतुष्टि होती है। पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है जिसमें ऊपर के 4-5 राक्षसी चरित्रों को छोड़ करके बाकी लोग कमाते नहीं है ज्यादा, उनके पास सैलरी नहीं होती है ज्यादा, लेकिन उनको संतुष्टि होती है जब उनकी बात दूर तक पहुंचती है। तो बस इसे वहीं तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत आभार। अब तो राष्ट्रवादी सोशल मीडिया का भी भरोसा है कि बाकी सब बिक गए हैं। चलिए सीधे हम लोग यही नहीं मानते कि हर कोई बिकता नहीं है, प्रयास हम ऐसे कहते हैं, देवेंद्र जी कह रहे हैं ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके सहयोग का आभार है, इसीलिए फाइट कर पा रहा हूँ, लड़ पा रहा हूँ। बहुत आभार, शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।